असल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल नाइन इन टूडेज इंग्लिश वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर शाह अब्दुल्लीफ़ भिटाई ये रीडिंग टैक्स आपके यूनिट टू रोल मॉडल में से है जिसमें शाह अब्दुल्लीफ़ की पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताया गया है सो so, इस चैप्टर की जब हम बात करें स्टार्टिंग की तो इस चैप्टर को स्टार्ट कुछ इस तरीके से किया गया है कि शाह लतीफ़ का ये पूरा चैप्टर आपको सेवन एस्पेक्ट में बताया गया है तो इसके लिए आपकी बुक में भी अगर आप देखें तो सेवन डिफरेंट बॉक्सेस बनाए गए हैं और उनको सेवन हेड्स दिए गए हैं यानी कि टाइटल दिया गया है तो टाइटल्स कुछ आपको इस तरीके से दिए गए हैं द फर्स्ट एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज़ बैकग्राउंड एंड फैमिली उनकी बैकग्राउंड और उनके फ़ैमिली के बारे में बताया गया है देन उनके नेम भिटाई के उनका शाह अब्दुल लतीफ़ एक्चुअल नेम है तो उनको लोग भिटाई क्यों कहते हैं उसके बारे में बताया गया है दैन उनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन उन्होंने क्या तालीम हासिल की उनकी इब्तदाई ज़िंदगी कैसी थी कैसे गुजारते थे उसके बारे में बताया गया है फ़ोर्थ एस्पेक्ट में उनकी यूथ यानी कि उनकी जवानी का जो टाइम पीरियड था वो कैसा था वो क्या किया करते थे किन एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहते थे वो बताया है देन उनकी स्परिचुअल ग्रोथ किस तरह से हुई कि इतना ज़्यादा उन्हें अल्लाह ताला से मोहब्बत हो गई तो वो पूरा उनका जर्नी बताया है दैन सिक्सथ एक्सपेक्ट में उनकी डेथ और उनकी रिमेम्बरेंस यानी उनके इंतकाल के बारे में और उनको लोग कैसे याद करते हैं किस तरीक़े से याद करते हैं वो बताया गया है एंड इन द लास्ट एस्पेक्ट यानी कि सेवन्थ एस्पेक्ट जो है उसमें शाब्द लतीफ़ की पोइट्री के बारे में बताया गया है और एक उनकी पोइट्री का वर्ड्स भी आप लोगों को शेयर किया गया है ठीक है स्टूडेंट्स तो इनमें से हमने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रैक्ट की हैं जिनको हम वन बाय वन करके अब देखते हैं तो ये सेवन एस्पेक्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड हम इस चैप्टर में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के बारे में पढ़ेंगे सो so, देख लेते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट शाह अब्दुल लतीफ लाइक ही वॉज बोर्न इन सिक्सटीन ऐटी 1689 एटी नाइन जो इंग्लिश कैलेंडर है उसका ईयर 1689 है जबकि अगर हम हिजरी कैलेंडर यानी कि इस्लामिक कैलेंडर देखें तो उसका ईयर है 1102 हिजरी ठीक है और डेट इन्होंने बता दी इस्लामिक कैलेंडर की कि इट इज 14 सफर तो ये पैदा हुए इन स्मॉल विलेज कॉल्ड हाला हवेली हाला हवेली जो कि सिंध में है मौजूद वहाँ पे आ, पैदा हुए ये उस विलेज में पैदा हुए जबकि उनके एंसेस्टर्स जो हैं उनका ताल्लुक उनके एंसेस्ट्रल रूट जो हैं वो अफगानिस्तान से हैं अफगानिस्तान में एक जगह है हेरात वहाँ से लोग ताल्लुक रखते थे तो ये किसी रीजन की वजह से एक स्पिरिचुअल पर्सन था जिसका नाम है बिलावल उससे कांटेक्ट रखने के लिए ये यहाँ पर माइग्रेट किया और क्योंकि इनको सिंध का जो कल्चर था वो बहुत अच्छा लगा इसीलिए इन्होंने सिंध को अपना घर बना लिया शाहब्दुलतीफ़ के बारे में और जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो कह रहे हैं कि शाहीफ़ के बहुत सारे इनॉर्मस इस्परिचुल पावर्स हैं वो लोगों के पोइट भी हैं सिर्फ वो यानी कि सेंट नहीं थे बल्कि वो पोइट भी थे वो पोइट्री कंपोज किया करते थे और उनकी पोइट्री कैसी है सिंपल है सेक्रेड है और सोलफुल पोइट्री है और इसके अलावा इन्होंने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी इन्वेंट किया था जिसका नाम है तम्बूरो तो उसके हिसाब से ये म्यूज़िशियन भी कहलाएंगे कि इनके बहुत ग्रेट स्किल्स के ये म्यूज़िशन भी थे अब आपको बताया जा रहा है कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे पता चली क्योंकि अगर आप इनका बर्थ ईयर देखें तो इट वॉज़ अराउंड फोर हंड्रेड ईयर्स बैक यानी चार सौ साल पहले की बात है तो किस तरीके से चार सौ साल पुरानी बात हम तक पहुँची हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मालूम है तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो शाब्दल लतीफ़ की लाइफ के बारे में वो औरल ट्रेडिशंस के ज़रिए जमा की गई है ओरल ट्रेडिशन का मतलब है थ्रू वर्ड ऑफ माउथ पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू वर्ड ऑफ माउथ यानी आपने किसी को बताया उन्होंने किसी और को बताया उन्होंने फिर किसी और को बताया तो इस तरीके से एक चेन बन जाती है कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो इस चीज़ को कहा जाता है ओरल ट्रेडिशंस तो ओरल ट्रेडिशंस के ज़रिए जो है लतीफ़ की बारे में हमें पता चला पीपल कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इन दिस मैनर इस तरीके से इस तरह पता चला क्योंकि किसी के फादर्स या ग्रैंड फादर्स ने उनके बारे में सुना हुआ था या कुछ लोग उनसे पर्सनली फ़िज़िकल कॉन् पर्सनली उनसे मिले थे फ़िज़िकल कॉन्टेक्ट हुआ था उनका तो इस तरीक़े से या कुछ ने उनसे बात की थी तो इस तरीक़े से लोगों ने जब उनसे बात की उनको देखा उनके बारे में सुना तो उन्होंने आगे दूसरे लोगों को बताया और इस तरीके से हम तक ये बात आज पहुँची है उनके बारे में नेक्स्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं आपके पास हैं इन दो टॉपिक से रिलेटेड जो कि अभी हमने पढ़ लिया अबाउट अर्ली एज इन सिविन स्पेक्ट कुछ एम तो देखते हैं कि क्या क्या एम हैं एम नंबर वन शब्द लतीफ़ वॉज बॉर्न इन किस ईयर में पैदा हुए अच्छा अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है हमने दो ईयर्स देखे एक उनका इस्लामिक ईयर देखा और एक उनका हमने इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग ईयर देखा तो आप एम सी क्यू में देखेंगे ए डी और ए AH एच के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है ठीक है द ऑप्शन ए इज सिक्सटीन एटी नाइन ए डी ऑप्शन बी इज सिक्सटीन नाइन्टी फोर ए डी ऑप्शन सी इज़ सिक्सटीन नाइनटी फन ए डी ऑप्शन डी इज सिक्सटीन सेवेंटी फोर ई डी सो स्टूडेंट विच वन इज द करेक्ट आंसर सो द करेक्ट आंसर इज सिक्सटीन एटी नाइन ए डी और अगर ये ए एच में होता तो क्या होता है स्टूडेंट करेक्ट आंसर इट विल बी इलेवन और टू ए एच सो नाउ दिस टॉपिक इज़ अबाउट लतीफ़ मैरिड लाइफ उनकी शादी शुदा जो ज़िंदगी थी वो किस तरह से गुजर रही थी तो कह रहे हैं कि लतीफ़ ने जो है शाद लतीफ़ ने ही वॉज मैरीड इन दयर्स सेवनटीन थर्टीन सेवनटीन थर्टीन यानी कि अराउंड वन ही वॉज़ ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड जब उनकी जो है शादी हो गई थी और शादी उनकी हुई जिन खातून से उनका नाम है बीबी सईदा बेगम लेकिन इनकी जो वाइफ हैं वो बहुत जल्दी इंतकाल कर गई थी और इनकी कोई औलाद भी नहीं थी यानी कि इनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ी और इसके बाद इन्होंने दोबारा से शादी भी नहीं की थी और इनका जो दिल था वो अल्लाह ताला की मोहब्बत की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था कि उनकी इंतकाल के बाद उन्होंने क्या किया ही टर्न मोर एंड मोर टू वर्ड्स रिलीजन एंड लेटर ऑन ही लेफ्ट हेज़ होम एंड वेंट टू लिव ऑन अ माउंट और फिर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़कर एक माउंड पर एक भिट पर रहने चले गए भिट कहा जाता है अ माउंट ऑफ सेंड इन सिंधी लैंग्वेज सिंधी जबान में जो एक मिट्टी का टीला है उसको भिट कहा जाता है तो उनके विलेज से ही कुछ डिस्टेंस पे ये भिट मौजूद था माउंड मौजूद था तो जब इनकी वाइफ की डेथ हो गई तो उसके बाद ये अपना घर छोड़ कर वहाँ चले गए थे क्योंकि ही वॉज़ फीलिंग रेस्टलेस इन लिविंग अ नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ और उसी माउंट के करीब ही एक नेचुरल लेक भी मौजूद थी तो ये क्या करते थे उन्हें उस लेक की कामनेस और क्वाइटनेस बहुत ज़्यादा पसंद थी तो इसीलिए वो वहाँ पर उसके बैंक पर उसके किनारे पे बैठे रहते थे और वहाँ पर वो अल्लाह ताला की इबादत करते थे अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे और अल्लाह ताला की तारीफ़ में यहाँ पे गॉड्स प्रेज़ अल्लाह ताला की तारीफ़ में पोइट्री लिखा करते थे अब हम बात कर रहे हैं उनके नाम की कि उनका नाम भिटाई किस तरीके से पड़ा सो so, क्योंकि जैसे कि अभी हमने देखा कि जो माउंट ऑफ सैंड है यानी कि मिट्टी का जो टीला है उसको सिंधी लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है भिट। तो उन्होंने जब अपना घर छोड़ा तो अपना घर छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उसी टीले पर गुजारी तो भिट पे रहने वाला पर्सन ही वॉज नोन एज भिटाई तो इसीलिए उनको भिटाई या सेंट ऑफ द भिट लोगों ने कहना शुरू कर दिया एम सिक्यू इन सिंधी लैंग्वेज अ माउंट ऑफ सेंड इज कॉल्ड सिंधी जबान के अंदर जो माउंट ऑफ सेंड है उसे आप क्या कहते हैं ऑप्शन हैं आपके पास ए भिट बी ओताक सी डी डेरा सो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर कौन सा है इन चारों में से द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एम सी क्यू इज ऑप्शन ए यानी के भिट सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो जिसमें हमने शाब्दल लतीफ़ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए इनशाला इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे चल दिन अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अल्लाह हाफिज़